स्वच्छ भारत अभियान के 5 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की थी। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को भी इससे जोड़ा गया और उन्हें सफाई को लेकर जागरूक किया गया। इन 5 वर्षों में साफ सफाई का लक्ष्य 100% भले ना पूरा हुआ हो, मगर इसमें जनमानस को झकझोरा जरूर है। स्वच्छता समाज के एजेंडे पर आ गई है। देश में स्वच्छता को लेकर बने माहौल का ही असर है कि आज गांव से लेकर शहर में सरकारी दफ्तरों में सभी स्थानों पर सफाई करने में कोई भी किसी प्रकार की शर्म नहीं करता। ऐसा ही एक मामला हरदोई के जिला अधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर से हमारे सामने आया है। यहाँ डीएम ने अचानक कूड़ा बीनना शुरू कर दिया तो अन्य अधिकारी भी दफ्तरों से बाहर निकलने आए। डीएम ने इस स्वच्छता अभियान में अधिकारियों, कर्मचारियों व वकीलों ने भी सहयोग किया। डीएम पुलकित खरे कलेक्टर परिसर के अंदर स्थित दफ्तरों में अचानक जा पहुंचे। यहां भारी गंदगी देखकर डीएम ने यहां कूड़ा पॉलिथीन बीनना शुरू कर दिया। उनके द्वारा ऐसा करने की जानकारी जैसे ही अन्य अधिकारियों को लगी तो एसडीएम संजय सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट समेत तमाम अधिकारी व कर्मचारी भी बाहर निकल आए और कूड़ा बीनने लगे। डीएम के साथ वकीलों ने भी सहयोग किया। जीएम ने यहां सभी के साथ साफ सफाई रखने की अपील भी की और कहा कि सभी लोग अपने दफ्तरों के बाहर कूड़ादान रखवाएं। चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो हमारे अधिकारी कर्मचारी साथी हो, सभी को ये जिम्मेदारी समझनी होगी कि हम लोग सिर्फ सफाई कर्मी के भरोसे या कलेक्ट्रेट के नजारत के भरोसे, नाजिर के भरोसे स्वच्छता को नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए सबसे अपील करी गई, मीडिया के भी मेरे साथी मौजूद रहे, उनसे ही मैंने अपील करी कि सब लोग मिलकर इसमें जुड़े, इसको अपनी जगह समझें, ये एक सार्वजनिक जगह है, हम लोग अगर इसको स्वच्छ रखेंगे तो इससे संदेश पूरे जनपद में जाएगा। मौजूद हैं नालियां यहाँ पे भी चौक पाई गई हैं और तमाम जगहों पे कूड़े के ढेर पाए गए। अगर उन कूड़े के ढेरों पे हम लोग मिलके डस्टबिन रख दें और सब लोग ये जिम्मेदारी ले लें कि अपने ऑफिस के सामने के स्थान पे कूड़ा इकट्ठा नहीं होने देंगे, उसको डस्टबिन में डालने की आदत डालेंगे तो सफाई कर्मियों के लिए भी आसान होगा कि उनको सिर्फ डस्टबिन से ही कूड़ा उठाना पड़ेगा। इसी को लेकर आज जागरूकता करी गई है। अगले 2 दिन इस पर निगाह रखी जाएगी और कोशिश ये करी जाएगी कि सोमवार आने तक हम लोग इसको बेहतर स्वच्छ रूप में इस कलेक्ट्रेट परिसर को ला सके। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।